ठीक है ठीक है सर। बदतमीज नहीं कर सर, एक दिन में आप क्या अरेंज कर लेंगे 99 लाख? अच्छा सोर्स बताइए, कौन सा सोर्स है जिससे आप 99 लाख एक दिन में आप कर लेंगे? बैंक से, एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरे बैंक से? नहीं, कर्जा नहीं मैडम, ये 100 टाइम्स झूठ बोल चुका होगा। हम लोगों आप रुक जाएंगे, आपका सिविल माइनस में चला गया, आपको कर्जा कौन देगा? आसपास के लोग आपको चमड़ी नहीं देगा, आप घर खाली करो। हमको हम कैसे नहीं कल भर दे, हम साहब आगे सास का है नहीं, बस हमको कल भर, हमको समय दे दिए 24 घंटा का, हमको समय दीजिए बस 24 घंटा पॉसिबल ही नहीं है हमको 24 घंटा का। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी में एक शख्स को लोन की किस्त ना चुकाना महंगा पड़ा है। बैंक ने उसे डिफॉल्टर घोषित कर मकान को सीज कर दिया और सारे सामान को बाहर कर घर के बाहर बैंक द्वारा कब्जा करने का बोर्ड लगा दिया है। मामला रोहतास के डेहरी ऑनसोन के बीरन बीघा का है, जहां अजय चंद्रा नाम के एक शख्स ने 2016 में SBI डेहरी की शाखा से इंडस्ट्री के नाम पर 99 लाख का लोन सेंक्शन कराया था, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद उसने किस्त जमा नहीं की, जिसके कारण लोन की राशि बढ़कर 1,15,00,000 रुपए हो गई। इस दौरान बैंक के अधिकारियों ने कई बार अजय चंद्रा को लोन चुकाने के लिए नोटिस भी भेजा, लेकिन हर नोटिस को अनसुना करते हुए अजय चंद्रा ने बैंक को 1 रुपया भी नहीं दिया, जिसके बाद मंगलवार को लोन की राशि को रिकवर करने के लिए पटना से SBI की टीम रोहतास पहुंची, जहां से मैजिस्ट्रेट के रूप में डेहरी की CEO अनामिका कुमारी अपने दलबल के साथ अजय चंद्रा के आवास पर पहुंची और मामले की जानकारी दी। संभावित कार्रवाई से डरे घर के मालिक पहले घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, वहीं जब घर के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी तो वह हाथ पैर पकड़ते हुए एक दिन में लोन चुकाने की बात करने लगे, लेकिन SBI की टीम को उन पर कोई भरोसा नहीं हुआ और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। बैंक के अधिकारी ने बताया कि अजय चंद्रा ने इंडस्ट्री बैठाने के नाम पर SBI बैंक से 1,15,00,000 रुपए की लोन लिया था, जो कि अभी तक नहीं चुका पाया। इस लोन का गारंटर गिरीश चंद्र है, वहीं जमीन की मालकिन सुनीता सिन्हा है। वहीं कार्रवाई के दौरान पटना SBI के सहायक महाप्रबंधक ब्रजकिशोर ने बताया कि अजय चंद्रा ने 2016 में लोन लिया और एक भी रुपया वापस नहीं किया। हाल में बैंक की तरफ से उसे 6 महीने से रिमाइंडर दिया गया, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ा, जिसके बाद आज इस मकान को सील करना पड़ रहा है। महाप्रबंधक ने यह भी बताया कि अजय चंद्रा अगर 30 दिनों के अंदर बैंक का पूरा पैसा जमा करते हैं तो इनको ये मकान मिल जाएगा, नहीं तो इसके बाद बैंक इस मकान को नीलामी प्रक्रिया में बेचकर अपना पैसा वसूल करेगी। एक्चुअली जो मकान के ऑनर हैं, उन्होंने 2013 में एक फैक्ट्री खोलने के लिए 99 लाख का SBI डेयरी ब्रांच से लोन लिया था, बट ये अभी तक उसको उसका थोड़ा भी कोई भी हिसाब पेमेंट नहीं कर पाए, रिपेमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग इनका ये सारा सीजर हो रहा है और अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस अब इनको टाइम भी नहीं दिया जा सकता। हमारे पास ऑर्डर है, हमें मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया है और ये सारा सीजर हो रहा है। कितना लोन बाकी था मैम? इन्होंने 1 रुपये भी नहीं चुकाए हैं, जो एक नॉमिनल इंटरेस्ट होता है सिर्फ वही इन्होंने पेमेंट किया है, अदरवाइज इनका 99 लाख पूरा वैसे ही है। और आगे की क्या कार्रवाई होगी? आगे की कार्रवाई अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बैंक के अकॉर्डिंग होगी। फिलहाल तो अभी ये पूरा सीजर होगा, ये लॉक होगा पूरा एरिया इनका, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको इनके साथ कार्रवाई की जाएगी। इंडस्ट्रीज के नाम से 99 लाख का इनका लोन दिया था, लोन की किस्त इन्होंने बिल्कुल नहीं चुकाई, इनका इंडस्ट्रीज भी इन्होंने बंद कर लिया, फंड का दुरुपयोग किया और बैंक का पैसे डाइवर्ट कर लिया गया। इसके चलते आज की तारीख में इन पर 1,15,00,000 रुपये का ड्यूज है और इन्हें 6 महीने से लगातार रिमाइंडर के बाद भी इन्होंने 1 रुपये बैंक खाते में जमा नहीं किया। हर बार इनके पास डेट हो जाता तो भारतीय स्टेट बैंक साथ पटना का मैं सहायक महाप्रबंधक ब्रज किशोर कुमार, हमने 13-2 और 13-4 जो हमारा सरफेस एक्ट 2002 के तहत आता है, इसके तहत हमने यहाँ कार्रवाई की है। इसमें हमें प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला है और ये संपत्ति पे हमारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है। अब इसके बाद आगे कार्रवाई में यही सिर्फ पब्लिक ऑप्शन कर दिया जाएगा, पब्लिक ऑप्शन करके लोग धन की वसूली है। कितने दिनों से सर लोन बाकी था? 5 साल में। आगे की सर कार्रवाई क्या होगी? आगे कार्रवाई है कि इसे ऑप्शन करके पब्लिक मनी का टाइम दिया जाएगा कि ये डायरेक्ट ऑक्शन हो जाएगा? 30 दिन का टाइम देते हैं हम। अच्छा, 30 दिन के अंदर अगर ये बैंक का ड्यूज क्लियर कर लेते हैं तो बैंक ऑक्शन 30 दिन के बाद। सर टीम में कौन कौन आया?
मैं टीम में मैं सहायक महाप्रबंधक ब्रज किशोर कुमार सार पटना, हमारे साथ हमारे प्रबंधक श्री प्रीतम कुमार और हमारे अन्य सहयोगी आए हैं। मैं अब आभारी हूँ यहाँ के अंचल अधिकारी का, इन्होंने बहुत सहयोग किया है। प्रशासन जनता धन की वसूली के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और काफ़ी सहयोग मिला है। ठीक है सर, नहीं कर्जा चुकाने के लिए दूसरे बैंक से कर्जा नहीं है। मैडम 100 times झूठ बोल चुका होगा हम लोगों को। आप रुक जाएंगे, अभी थोड़ा डिस्कशन होगा। आपका सिविल माइनस में चला गया, आपको कर्जा कौन देगा? आस पास के लोग आपको चमड़ी नहीं देगा। आप घर खाली करो, हम कर देंगे, हम कर देंगे। नहीं नहीं, कल भर दे, हम साहब का आदेश आज का है, नहीं बस हमको कल भर, हमको समय दे दीजिए, 24 घंटा का हमको समय दीजिए, बस 24 घंटा पॉसिबल ही नहीं है, हमको 24 घंटा का समय। चलिए चलिए। और इनको अच्छे से मिठाई, इनकी तबीयत खराब हो सकती है, हम चलेंगे साथ में आपके। सुनिए, इनको अच्छे से मिठाई, आप कहाँ बैठेंगे? बाहर हमारी गाड़ी में बैठेंगे कि घर पे ही बैठेंगे? हम घर में, घर पे। तो यहाँ चेयर में आप बैठे और एकदम शांति से बैठे, जहाँ बैठना है बैठिए। नौकरी भी सेफ है।